नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सौर ट्रेंड की ऑनलाइन क्लास नव जागृति में। साथियों, आज वाक्यांश चिन्ह आपको बताने वाला हूँ। ये वाक्यांश चिन्ह मैंने ऋषि प्रणाली पद्धति पर आधारित बनाए हैं और इन वाक्यांश चिन्हों में एक चीज़ कॉमन है, वह है कानून और व्यवस्था। इन सभी वाक्यांश चिन्हों में कानून और व्यवस्था हर वाक्य में आ रहा है। तो देखिए किस तरह से बना रहे हैं। इसके कारण, इसके कारण, इसके का सब चिन्ह, इस के लिए का और कारण के लिए का में रा का आंकड़ा लगा करके ना का आंकड़ा, इसके कारण। और कानून और व्यवस्था के लिए, कानून के लिए ना बनाएंगे और व्यवस्था के लिए इस्त वाला चाप लगाएंगे। इसके कारण, कानून और व्यवस्था, यहाँ हम कानून और व्यवस्था के लिए सभी में इसी का यूज करेंगे, यानी कि ना और इस्त वाला चाप। कानून के लिए ना और व्यवस्था के लिए इस्त वाला चाप। इस देश में कानून और व्यवस्था, इस देश में, तो इसके लिए इसका सब चिन्ह और देश के लिए दा और शाखा व्रत देश और मैं के लिए माँ निकालेंगे हल्का सा। इस देश में कानून और व्यवस्था के लिए उसी तरह से नीचे को ना और इस्त वाला चाप। इस देश में कानून और व्यवस्था, इस विषय पर कानून और व्यवस्था, इस विषय पर कानून और व्यवस्था, इस विषय पर, इसके लिए इसका सब चिन्ह इस और विषय के लिए दोबारा यहाँ पर वी वाला चिन्ह निकालेंगे और सा बनाएंगे। पर के लिए पा में रा का आंकड़ा लगा करके बनाएंगे। इस विषय पर कानून और व्यवस्था के लिए ना और इस्त वाला चाप नीचे को पास में ही बनाएंगे। इस विषय पर कानून और व्यवस्था, इसके लिए कानून और व्यवस्था, इसके लिए इसका सब चिन्ह का, इसके और लिए के लिए ला बनाएंगे ऊपर को। इसके लिए कानून और व्यवस्था के लिए यहीं पास में ना और इस्त वाला चाप लगाएंगे। इसके लिए कानून और व्यवस्था, इस तरह की कानून और व्यवस्था, इस तरह की कानून और व्यवस्था, इसके लिए इसका सब चिन्ह, तरह के लिए ता बनाएंगे, इस तरह की के लिए का बनाएंगे और कानून और व्यवस्था के लिए पास में ही या नीचे को ना और इस्त वाला चाप। इस तरह की कानून और व्यवस्था, अपने देश में कानून और व्यवस्था, अपने के लिए अपने का सब चिन्ह, देश के लिए दा और शाखा व्रत, मैं के लिए माँ बनाएंगे अपने देश में। अब कानून और व्यवस्था, कानून और व्यवस्था के लिए उसी तरह से नीचे को ना और इस्त वाला चाप, अपने देश में कानून और व्यवस्था। आजकल कानून और व्यवस्था, आजकल, आज के लिए जा, आज का सब चिन्ह, कल के लिए कामे ला का आंकड़ा लगा गई। आजकल कानून और व्यवस्था के लिए नीचे को ना और इस्त वाला चाप, आजकल कानून और व्यवस्था। आमतौर पर कानून और व्यवस्था, आमतौर पर माँ को डबल करके बनाएंगे। आमतौर पर के लिए पा में रा का आंकड़ा लगा करके बनाएंगे। आमतौर पर कानून और व्यवस्था के लिए उसी तरह से नीचे को ना और इस्त वाला चाप बनाएंगे। आमतौर पर कानून और व्यवस्था, पुलिस, कानून और व्यवस्था, पुलिस के लिए पा लाइन काट करके ला और शाखा व्रत पुलिस, कानून और व्यवस्था के लिए यहीं नीचे को ना और इस्त वाला चाप बनाएंगे। पुलिस, कानून और व्यवस्था, पूरी तरह से कानून और व्यवस्था, पूरी तरह से कानून और व्यवस्था, पूरी तरह से पा बनाएंगे और रा को डबल करके बनाएंगे तरह के लिए। पूरी तरह से के लिए शाखा व्रत यूज करेंगे। पूरी तरह से कानून और व्यवस्था के लिए नीचे को या पास में ही ना और इस्त वाला चाप लगाएंगे। पूरी तरह से कानून और व्यवस्था, समाज में कानून और व्यवस्था, समाज के लिए, समाज का सब चिन्ह शाखा व्रत और जा समाज, मैं के लिए माँ जोड़ेंगे समाज में। कानून और व्यवस्था के लिए नीचे को ना और इस्त वाला चाप, समाज में कानून और व्यवस्था। साथियों, इसी तरह से आप कानून और व्यवस्था जहाँ कहीं भी आए तो आप इसी तरह से जोड़कर उसमें पहले जो भी शब्द आ रहे हैं उनको पहले पूरा लिखें और उसके बाद कानून और व्यवस्था के लिए इस चिन्ह को यूज कर सकते हैं।
अगर आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं या शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारा चैनल नव जागृति आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। साथियों, हमारे चैनल पर प्रैक्टिस के लिए अलग अलग गति से दी गई डिक्टेशन आपको वीडियो के माध्यम से हर समय उपलब्ध है। इसके अलावा नए सीखने वाले छात्रों के लिए ऋषि प्रणाली शॉर्ट हैंड का प्रत्येक अभ्यास लिखकर दिखाया गया है। प्रत्येक नियम के चैप्टर को समझाया गया है। पुस्तक के शब्द चिन्ह और वाक्यांश, कठिन शब्द चिन्ह और वाक्यांश को भी बताया गया है और समझाया गया है। इतना ही नहीं, शॉर्ट हैंड में आने वाली प्रत्येक समस्या का समाधान भी वीडियो के माध्यम से बताया गया है। ये सब मिलता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, केवल आपको चैनल सब्सक्राइब करने पर। आपको करना केवल इतना है कि हमारे चैनल नव जागृति को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं, शॉर्ट हैंड, डिक्टेशन, ऋषि प्रणाली अभ्यास, शब्द चिन्ह और वाक्यांश, नियम आदि के फोल्डर पर क्लिक करके आप अपनी पुस्तक में दी गई विषय सूची के आधार पर वीडियो क्लिक करके शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें हमारे मोटिवेशन के लिए, जिससे मैं आपके लिए इसी तरह के और भी वीडियो लाने के लिए मोटिवेट हो जाऊं, और शेयर करें अपने दोस्तों की हेल्प के लिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए।